न्यूज अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण में आई तेजी से गिरावट के बीच बिहार में अनलॉक वन की मियाद मंगलवार यानी 15 जून को खत्म होने जा रही है। ऐसे में नीतीश सरकार 16 जून से अनलॉक टू को लेकर नए नियमों का ऐलान भी कर सकते हैं। बिहार में 16 जून से किस तरह की छूट दी जाए इसको लेकर सोमवार यानी कि आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होनी है। राज्य में कोरोना फिलहाल पूरी तरह से कंट्रोल में है, ऐसे में सरकार अनलॉक वन से अनलॉक टू के चरण में नियमों के अंदर कोई बहुत ज्यादा बदलाव करने के मूड में नहीं है। माना जा रहा है कि जो व्यवस्था अभी लागू है इसी को हल्के फुल्के बदलाव के साथ बहाल रखा जाएगा और प्रतिबंधों में ज्यादा ढील नहीं दी जाएगी। तो कोरोना संक्रमण में आई तेजी से गिरावट के बीच बिहार में अनलॉक वन की मियाद मंगलवार यानी 15 जून को खत्म हो रही है। तो बिहार में कोरोना केसों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 16 जून से बिहार में अनलॉक 2.0 की शुरुआत होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, अब कोरोना का जो कहर है लगातार बिहार में कम होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब अनलॉक वन की जो समय सीमा है वो भी खत्म होने के कगार पर है, यानी कि अब अनलॉक टू लागू की जा सकती है। इसमें इसको लेकर के आज बैठक भी हो सकती है, तो आज बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्या बदलाव किए जाएंगे या फिर वैसे ही रहेंगे? देखिए, आज यानी आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी जो इस तरह के तमाम रिस्ट्रिक्शन को लेकर निर्णय लेती है। मुख्य सचिव का अध्यक्षता में बैठक होगी जिसमें तमाम विभागों के प्रधान सचिव यानी मुखिया जो होते हैं प्रशासनिक हेड वो मौजूद रहे और ये देखना होगा कि सरकार आखिर निर्णय क्या लेती है। लॉकडाउन वन जो उन्होंने लगाया था उसकी मियाद जो है कल पूरी हो जाएगी, 16 तारीख से दूसरी लॉकडाउन टू शुरू होगा। लेकिन जो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि लॉकडाउन वन जितनी छूट दे दी गई थी वो छूट अभी काफी है, मतलब बहुत सारी छूट दे दी गई थी। दुकान शाम को 4 बजे तक खुल रही थी, रोटेशन वाइज दुकानें खुल रही थी, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन वन के जो परिणाम है वो सही दिख रहे हैं, सरकार का जो कदम है वो सही दिख रहा है। तो ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि कोई बहुत ज्यादा ढील नहीं होने वाली है। हो सकता है सरकारी कार्यालयों में कल टीकाकरण अभियान चला था पटना के सचिवालय में 13 तारीख और 12 और 13 तारीख, तो ये कोशिश है कि अभी तमाम गवर्नमेंट ऑफिस में पहले वैक्सीनेशन कर दिया जाए, तमाम शिक्षकों को वैक्सीनेशन कर दिया जाए, स्कूलों में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाए, ये तमाम के बाद कहीं ना कहीं ढील दी जानी। तो ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन वन और लॉकडाउन टू में, माफ कीजिएगा, अनलॉक वन और अनलॉक टू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है। कुछ एक रियायतें, मामूली सी रियायतें बढ़ाई जा सकती है, अदरवाइज कुछ संभावना यही है कि लॉकडाउन वन बरकरार रहे। जी शशांक जी, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अब दुकानों की जो समय सीमा है सुबह से लेकर के शाम तक का, ये भी तो समय बढ़ाया जा सकता है? देखिए, सरकार की कोशिश होती है कि शाम को आमतौर पे गैदरिंग ज्यादा होती है मार्केट में, शाम को भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, तो ऐसे में सरकार की कोशिश है कि 4 बजे तक उन्होंने जो दुकानें बंद करवाई थी इसके पीछे रीजन ये था कि 4 बजे के बाद अगर भीड़ मार्केट में नहीं रहेगी, लोग अपने घरों में रहेंगे, क्योंकि उस वक्त तो लोग ऑफिस से लौटते हैं क्योंकि ऑफिस भी 50% खुल चुके हैं, तो शाम को आमतौर पर बाजार में भीड़ नहीं रहेगी, शाम को दुकानें जब नहीं खुलेंगी तो भीड़ कम रहेगी, जिससे संक्रमण को और कंट्रोल किया जा सकता है। तो सरकार के भी ये मंशा बरकरार है, सरकार कहना है कि जो कम्युनिटी है, जो सेंसिटिव कम्युनिटी है, उसकी दुकान जो है सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक खुली रही है, उसके अलावा तमाम चीजों की दुकान जो है रोटेशन वाइज खुल रही है, ऐसे में बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी नहीं हो रही है और व्यापारिक गतिविधियां भी चलेंगी। हालांकि तमाम व्यापारिक संगठनों की मांग है कि दुकानों के समय को सुबह 6 बजे से हटाकर सुबह 10 बजे से लेकर उसकी समय को शाम को बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार की जो मंशा सुबह 6 बजे दुकान खोलने की थी वो यही थी कि जिनको जरूरत है वो सुबह 6 बजे दुकान खोलेंगे और जिनको जरूरत है वो 10 बजे भी खोलेंगे, लेकिन 4 बजे तक अपनी दुकान चला सकेंगे, जिससे अनवांटेड क्राउड कंट्रोल होगा, कहीं ना कहीं मार्केट खुलने से
भीड़ निश्चित रूप से बढ़ती है और बाजार बंद रहते हैं तो लोग निकलते नहीं। तो हमको नहीं लगता कि इसमें सरकार कोई छूट खास देने वाली है। ये जरूर हो सकता है कि सरकार ये छूट दे दे कि आप सभी दिन सभी तरह की दुकानें खुलेंगी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, एक ये छोटी सी छूट संभव है। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको अलाउ किया जाना चाहिए, तो हो सकता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को भी कुछ क्षमता के साथ 25% क्षमता के साथ या 50% क्षमता के साथ सर्टन गाड़ियों को अलाउ किया जा सकता है। तो ये छोटी मोटी छूटें हैं जिनको दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेजर करने वाला है, जैसा अनलॉक वन था वैसा अनलॉक टू होने। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस जो है बिहार में जिस तरीके से इसके ऊपर काबू पाया गया है और लगातार जो है इसके केसेस भी कम आ रहे हैं, इसको देखते हुए अगर मार्केट खोले जाने की जहां तक बात की जा रही है, जैसे कि आपने बताया कि कुछ ज़्यादा रियायतें नहीं दी जाएंगी और नहीं भी दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर रियायतें दी जाती हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में फिर वैसे ही भीड़ इकट्ठी होनी शुरू होती है तो फिर से जो संक्रमण है उसके फैलने का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो क्या ऐसे में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे वहाँ पुलिस अगर पुलिस की चौकसी ज़्यादा कर दी जाए, पुलिस प्रशासन, क्योंकि लगातार ये भी देखा गया था शशांक जी जिस तरीके से ये जो वेब दूसरा वेब आया कोरोना वायरस का उसमें प्रशासन भी काफ़ी ढीली नज़र आई थी, प्रशासन ने भी चौकसी कम कर दी थी, सख्ती कम कर दी थी, जिसकी वजह से ये भी एक नतीजा रहा कि इस तरीके से लगातार मामलों में इजाफा होता गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी पूरी तरीके से सख्ती के साथ इन सब चीजों को, इन सारे नियमों को पालन कराना चाहिए। देखिए, लॉकडाउन वन का जो एक्सपीरियंस रहा था सरकार का, लॉकडाउन वन में काफी लोगों ने सफर किया था, बहुत सारे परेशान हुए थे, भूखमरी की स्थिति आ गई थी और सरकार ने उससे जो सामाजिक रूप से जो परेशानी हो रही थी उसका जो एक्सपीरियंस लिया था। तो लॉकडाउन की वजह ये कि लॉकडाउन के उस तरह की कड़ाई नहीं की गई थी, लोगों को पता है कि अगर लोग रिवॉल्ट कर जाएंगे, लोग इसका विरोध करने लगेंगे तो सरकार को ज्यादा मुश्किल होगी। तो कानून का पालन जब तक लोग कर रहे हैं, कड़ाई उतनी ही की जा सकती है प्रशासन के द्वारा जब तक लोग उसका पालन कर रहे हैं। अगर लोगों ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ से बीमारी की मार थी और दूसरी लॉ एंड ऑर्डर की मार आ जाएगी। ऐसे में प्रशासन एक संतुलित व्यवहार लेकर चल रहा था, इसलिए दिख रहा था कि लॉकडाउन में के दौरान प्रशासन इस बार सुस्त नजर आ रहा है। उसका सुस्ती का यही कारण था कि प्रशासन ज्यादा कड़ाई नहीं कर रहा था, सरकार के ऐसे निर्देश थे कि लोगों को इस रूप इतना परिस्थिति मतलब लोगों पर इतनी कड़ाई ना की जाए कि लोग रिवॉल्ट की स्थिति में आ जाए, विद्रोह की स्थिति में आ जाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला था और लोगों को स्वतः इसकी जरूरत महसूस हो, लोग स्वतः महसूस करें, सरकार की यही कोशिश थी। और जब कोरोना पीक पर गया, जब कोरोना के केसेस ज्यादा आने लगे तो लोगों के अंदर जब डर आया तो लोगों ने इसका पालन भी किया, मास्क का भी पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया और जो सरकार की गाइडलाइन थी उनका सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे वो भी सब फॉलो हुए। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था। अब रही बात है कि बाजार खोल दिए जाए और पुलिस लगाई जाए, फिर वही बात आ जाएगी। इसलिए बाजार खोलने लोगों को जरूरत चीजें मिल जाए, व्यापारियों के अपने जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो जारी रहे, इसलिए दोनों पक्षों का भी ध्यान रखा गया है और कोविड के जो गाइडलाइन है, कोविड से बचाव के जो तरीके हैं उनको भी पालन करने की कोशिश की गई है। तो सरकार की यही कोशिश है कि एक फिर से कई निशाने चल जाए, व्यापारिक गतिविधियां भी चलें जिससे दुकानदारों की रोजी रोटी भी चल जाए, लोगों पर तमाम चीजों की कमी ना हो वो भी मिल जाए और कोविड के कारण जो भीड़ के कारण कोविड बढ़ सकता है उसको भी नियंत्रित किया जा सके। एक सरकार ने बहुत सही रास्ता निकाला था कि शाम को दुकानें बंद रहेंगी और दिन में दुकानें खुली रहेंगी, तो जिससे एक बार में, क्योंकि शाम को देखिए आमतौर पर होता है कि एक बार में लोग मार्केट में निकलते हैं जब मौसम ठंड हो जाता है और लोग एकदम से मार्केटिंग करने लाइट में निकलते हैं, तो ऐसे में जब दिन भर लोग निकलेंगे तो वो एक साथ तो निकलेंगे नहीं, ऐसे में भीड़ मार्केट में कंट्रोल भी रहेगी और व्यापारिक गतिविधियां भी चलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा सही है, क्योंकि हर चीज को अब पुलिस के डंडे से निहा कर सकता है। जी, और आज की जो बैठक होनी है शशांक जी, उसमें ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि कुछ खास रियायतें नहीं दी जाएंगी, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं की जाएंगी, जो पहले जिस तरीके से व्यवस्थाएं चलती आ रही हैं उसमें से थोड़ा बहुत बदलाव करके सारी चीज़ें जो है वो उस तरीके से बरकरार रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से अगर हम झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड में जो वहाँ पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है और इसके बाद जो है अब वीकेंड लॉकडाउन का वहाँ पर ऐलान किया गया है, यानी कि वीकेंड के दिन आप 38 घंटे के लिए संपूर्ण रूप से वो लॉकडाउन वहां पे रहेगा। तो क्या इस तरीके का विकल्प बिहार सरकार भी निकाल सकती है वीकेंड लॉकडाउन का?
देखिए बिहार में वीकेंड का जो स्टाइल है, कल्चर है लॉकडाउन लगाने का, वो दिल्ली में था पहले, उत्तर प्रदेश ने लागू किया, लेकिन बिहार ने लागू नहीं किया था। यानी बिहार ने जब लॉकडाउन लगाया, पूरा लॉकडाउन लगाया, उन्होंने कभी वीकेंड नहीं किया। तो जब लॉकडाउन में वीकेंड शुरुआत नहीं की, लॉकडाउन लगाने के लिए वीकेंड शुरुआत नहीं की, तो अनलॉक में कम चांसेस है कि वीकेंड कर्फ्यू टाइप की व्यवस्था की जाए। दूसरा महत्वपूर्ण है कि बिहार में भी नाइट कर्फ्यू जारी है, यानी आप शाम को 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू करें। हो सकता है कि नाइट कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जा सके, क्योंकि नाइट कर्फ्यू का बहुत ज्यादा मतलब नहीं हो पा रहा, तो हो सकता है कि इस बार अनलॉक के प्रक्रिया में नाइट कर्फ्यू पर ढील दी जा सके। लेकिन रही बात वीकेंड की, अभी तक ऐसी कोई बात प्राथमिक महकमे में नहीं आई है, लेकिन संभावनाएं खुली हुई है तमाम चीजों की, और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठेगी, क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक हाई लेवल एडवोकेटिव ग्रुप है जो सीएम के डायरेक्शन के बाद ही निर्णय लेता है। तो देखना है कि सीएम नीतीश कुमार का इस मुद्दे पर क्या राय है। तो सीएम नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो कोरोना की स्थिति है, कोरोना की डिक्लाइनिंग ऑर्डर है, कोरोना कंट्रोल पाया जा सका है, उसको लेकर काफी खुश है। तो हो सकता है कि अनलॉक टू में नाइट कर्फ्यू में भी कुछ ढील दी जा सके या उसको विड्रॉ किया जा सके जी। लेकिन अनलॉक टू में जैसा कि आपने कहा है कि कुछ ज्यादा ढील नहीं दी जाएगी, तो वो कौन कौन से विभाग हैं शशांक जी जिसमें लगता है कि ढील दी जा सकती है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि दुकानों के जो खुले रहने की बात मैंने कही थी कि अभी जो सिर्फ किराने की दुकान और फल सब्जी की दुकानों को छोड़कर तमाम चीजों की दुकान रोटेशन वाइज चलती है, एक दिन खुलती है और एक दिन बंद रहती है। ऐसे में हो सकता है कि उन तमाम दुकानों को एक साथ खोलने की अनुमति दी जा सके, लेकिन वो दुकानों का समय बढ़ाने में कहीं ना कहीं संशय है। तो दुकानों का समय सीमा सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक संभव है कि वो बरकरार रहे, कि जो तमाम कमर्शियल ग्रुप्स हैं या तमाम जो है चैम्बर्स हैं, उनका मांग है ये कि दुकानों को खोलने की समय सीमा शाम को बढ़ाई जाए, क्योंकि आमतौर पर लोग 11 बजे दुकान खोलते हैं, 12 बजे मंडियां खुलती हैं, तो 4 बजे तक उनका व्यापार नहीं होता है। तो इसमें संभव है कि 1 घंटे तक की बढ़ोतरी दी जा सकती है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि इसको अवॉइड किया जाए और दुकानों की जो पीरियोडिक सिस्टम है इसको खत्म करके सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए, तो ये बहुत हद तक संभव है। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कुछ ढील की मांग की जाएगी, देखिए सरकार क्या करती है। सरकारी जो दफ्तर है वो 50% क्षमता के साथ, प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें भी सरकार 1 सप्ताह तक कोई बदलाव करने जा रही है। तो ये जो 2-3 चीजें हैं, नाइट कर्फ्यू मैंने बात कही कि नाइट कर्फ्यू को या तो हटाया जा सकता है या कुछ रियायत दी जा सकती है समय को लेकर, ये 3-4 बिंदु है जहां सरकार विचार कर सकती है। जी बिल्कुल, ये 3-4 बिंदु हैं जिसके ऊपर सरकार जो है निर्णय ले सकती है, और आज बता दें कि आज बैठक होने वाली है और बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे और कई रियायतें दी भी जा सकती हैं, और पहले से जो चलता हुआ आ रहा है अनलॉक 2 की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है, अनलॉक 1 की जो मियाद है वो खत्म होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना संक्रमण में आई तेजी से गिरावट के बीच बिहार में अनलॉक 1 की मियाद मंगलवार यानी कि 15 जून को खत्म हो रही है। और वहीं कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक तरफ जहां सरकारें वैक्सीनेशन पर जोर दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर अफवाहें और लोगों के मन में डर बैठा है। वैक्सीन की राह में रोड़े अटका रहा है, जिसको लेकर सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है जिससे लोग जागरूक हों, वहीं इसका असर झारखंड में भी पूरी तरह से देखने को मिला, जहां ग्रामीण अंचल के लोग कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं। आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 85% लोगों ने कोरोना टीका लगवाया। तो आज झारखंड में मिले 154 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, और अगर राजधानी रांची की बात करें तो 17 और जमशेदपुर में 32 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तो इस तरीके से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए और वैक्सीनेशन को लेकर के खास करके जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 85% लोगों ने टीका लिया है। तो इस तरह से ये एक अच्छी खबर है जो कि राज्य में जागरूकता अभियान का असर
देखने को मिल रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी लोग बढ़ चढ़ करके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और 85% लोगों ने वैक्सीन ली है। तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक तरफ जहां सरकारें वैक्सीनेशन पर जोर दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर अफवाहें भी फैलाई गई थी, लेकिन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है और अब लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो कोरोना से बचाव के लिए सरकारें भी लगातार जागरूकता अभियान चला रही हैं और राज्य में अब जागरूकता अभियान का असर भी लगातार देखने को मिल रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी अब लोग बढ़ चढ़कर के वैक्सीनेशन प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि 85% लोगों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में टीका लिया है और जहां तक झारखंड के आज के कोरोना संक्रमण मरीजों की बात की जाए तो 154 कोरोना संक्रमित मरीज राजधानी रांची में, 17 और जमशेदपुर में 32 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, इस तरीके से देखा जा रहा है कि अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, इसका नतीजा और इसका परिणाम ये हो सकता है कि लोग जिस तरीके से जागरूकता अभियान में सरकार जिस तरीके से जागरूकता अभियान चला रही है, उसका ये नतीजा है कि अब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लेना शुरू कर दिए हैं। कुंदन जी, देखिए सरकार के द्वारा हर तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि टीकाकरण अभियान जो है वह रफ्तार पकड़ सके जी, और इसके तहत कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में बात करें तो शहरी क्षेत्रों की अलग समस्याएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की अलग समस्याएं हैं। कल झारखंड के कुछ अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर थे और वहां पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। वहां पर ग्रामीणों के बीच में इस बात का मतभेद देखने को मिला कि आखिर कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों में से कौन सा टीका ज्यादा असरदार है, ज्यादा फायदेमंद है, और ग्रामीणों ने कोवैक्सीन को लेकर एक तरीके से अधिकारियों को चेता दिया कि उनके इलाके में कोवैक्सीन के अलावा कोई दूसरा टीका नहीं दिया जाएगा जी। फिर जागरूकता अभियान में उन्हें इन बातों को लेकर जागरूक किया गया कि दोनों में से दोनों टीके कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों का असर एक जैसा है, दोनों के फायदे एक जैसे हैं, महज अलग अलग कंपनियों के द्वारा उत्पादित होने की वजह से इनके नामों में फर्क आ रहा है। कुछ ग्रामीण इलाकों में इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैला दी गई हैं, उन भ्रांतियों को लेकर भी झारखंड सरकार और प्रशासन खास करके स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें जागरूक किया जा रहा है। तो कहा यह जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की समस्याएं आ रही हैं, अलग अलग तरीके के भ्रांतियों से जूझना पड़ रहा है अधिकारियों को जी। और साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जो आंगनबाड़ी सेविकाएं सहायिकाएं होती हैं उनके जरिए इन बातों को लेकर प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, उसका असर देखने को मिला नहीं आज। और उसका सबसे बड़ा असर यह देखने को मिला कि 12 जून को आज से 2 दिन पहले पूरे झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 दिन में 1 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। 12 जून को जो सरकारी आंकड़े हैं उन आंकड़ों के मुताबिक 1,07,742 लोगों को टीका लगाया गया है, जो झारखंड के लिए अपने आप में एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और अगर टीका को लेकर बात कर ले सरकारी व्यवस्थाओं की तो आपको एक अहम जानकारी दे दें कि 18 साल से 44 साल के बीच के आयु वर्ग के लोगों के लिए झारखंड में 590 टीका केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसमें 64,900 लोगों को प्रतिदिन टीका दिया जा सकता है या दिया जा रहा है जी। और 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए कुल 1,849 टीका केंद्रों की स्थापना की गई है और वहां पर 2,03,390 लोगों को टीका दिए जाने की व्यवस्था की गई है। तो झारखंड सरकार के द्वारा टीकाकरण को लेकर अपने तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं,
रफ्तार पकड़ रही है। अब देखना अहम यह है कि टीके की खेप अगर सुचारू हो जाए तो आगे झारखंड में टीकाकरण की जो रफ्तार है उसे और बढ़ाया जा सके। नियाज जी कुंदन जी, लेकिन एक सवाल ये है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में जिस तरीके से तेजी आई है और काफी भारी संख्या में लोग को वैक्सीनेट किया जा रहा है और सरकार भी इसको लेकर के अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है कि हम काफी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एम्स और कोविड टास्क फोर्स के कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये मानना है कि युवाओं और बच्चों को फौरन वैक्सीनेट करना ये घाटे का सौदा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से वैक्सीनेट उन्हें किया जा रहा है एक नए स्ट्रेंथ जो है वो जन्म ले सकता है कोरोना का। देखिए अभी तक की स्थिति यह है कि जिस तरीके से आईसीएमआर की बात कर लें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बात कर लें या राज्य के स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें, कोरोना को लेकर हर दिन कुछ नए दावे हो रहे हैं, कुछ नई जानकारियां मिल रही हैं और उसको लेकर स्थिति बदल जा रही है। अब आप देखें कि कोरोना गाइड के उपचार के प्रोटोकॉल को लेकर WHO के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी वो गाइडलाइन अभी तक झारखंड सरकार के अस्पतालों में या चिकित्सा विभाग तक नहीं पहुंची है, जिसमें स्टेरॉइड्स और रेमडेसिविर जैसी दवाइयों के उपयोग को बैन कर दिया गया है, उसे समाप्त कर दिया गया है। इन तमाम चीजों को लेकर अगर हम बात करें तो जानकारियां प्रतिदिन अलग अलग तरीके की आ रही हैं और उन जानकारियों को लेकर अगर प्रतिदिन हम राज्य सरकार या केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपने जो इलाज की प्रक्रिया है या बाकी जो तमाम प्रक्रिया चल रही है उसमें अगर संशोधन इन्होंने शुरू कर दिया तो कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अब जिस तरीके से आप जो बात आपने बताई कि 18 प्लस के लोगों को टीकाकरण कर देना जल्दीबाजी होगी और इससे नए स्ट्रेन का खतरा पैदा हो सकता है, तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित है कि तीसरे स्ट्रेन की जो चेतावनी दी गई है जिसमें बच्चे गंभीर रूप से संक्रमित हो सकते हैं उसको बचाने का महज एक उपाय है कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके ताकि संक्रमण नहीं फैल सके। और जो रिपोर्ट्स बताते हैं कि संक्रमण का खतरा बच्चों में एडल्ट्स के जरिए ही हो रहा है, तो अगर एडल्ट्स को हम वैक्सीनेट कर देंगे तो बच्चों के संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। तो इन तमाम चीजों के बीच में जो जद्दोजहद चल रही है, जो प्रक्रियाएं चल रही है, उन प्रक्रियाओं को अपने आप चलने देना होगा और खास करके जो नई जानकारियां प्राप्त हो रही है उन जानकारियों को इकट्ठा करके उन जानकारियों को इलाज और टीकाकरण, ये जो टेस्टिंग ट्रैकिंग ट्रीटमेंट एंड टीका, ये चार मंत्रा जो डेवलप किए गए हैं इन मंत्रा के ऊपर काम करने की जरूरत है। लिहाजा अभी जो प्राथमिकता है सरकार की, मैं आपको एक चीज और बता दूं, झारखंड सरकार की अगर टीकाकरण की उपलब्धियों की बात करें तो अभी तक 45 प्लस के लोगों के लिए झारखंड सरकार को दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों टीका मिलाकर 46,41,040 डोजेस प्राप्त हुए हैं, जिसमें झारखंड सरकार ने अभी तक यहाँ के लोगों को 41,840 डोजेस लगा दिए जा चुके हैं। स्टॉक में महज 5,32,800 खुराक टीके के उपलब्ध है और अगर 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए बात करें तो कुल 11,76,210 खुराक प्राप्त हुए झारखंड सरकार को और जिसमें 10,09,110 खुराक जो है वो युवाओं को लगा दिए जा चुके हैं। स्टॉक में बात करें तो 1,67,100 खुराक बचे हुए हैं। तो जो झारखंड सरकार के पास स्टॉक है टीके का, उस स्टॉक के ऊपर वो बैंक करते हुए टीकेकरण की रफ्तार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ जो कह सकते हैं कि प्रतिदिन टीके को लेकर नई जानकारी आ रही है, क्योंकि अब बच्चों के ऊपर भी ट्रायल शुरू हो चुका है। पटना IIMS में ट्रायल शुरू किया जा चुका है, देश के कई दूसरी जगहों पर ट्रायल शुरू किए जा चुके हैं। तो अब कोशिश ये है कि तीसरे स्ट्रेन में बच्चों के ऊपर जो संक्रमण का खतरा है उसको टीकाकरण के जरिए दूर किया जा सके और कोशिश यह की जा रही है कि अगले 3 से 4 महीनों में बच्चों के, खास करके अगर हम बात करें 10 साल से ऊपर के आयु वर्ग के बच्चों को की बात करें तो उनके ऊपर टीके का ट्रायल करके उनको भी वैक्सीनेट करने की बात कही जा रही है। लेकिन कुंदन जी एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक्सपर्ट ने ये जो राय दी है कि
घाटे का सौदा है, फौरन जो 18 प्लस या जो युवा जो बच्चे हैं उनको फौरन वैक्सीनेट करना, ये घाटे का सौदा है, और दूसरी तरफ वैक्सीन की किल्लत भी देखने को मिली है, तो इस लिहाज से उनका ये कहना तो सही साबित होता है। और दूसरी तरफ ये है कि 18 से जो कम उम्र की आबादी है वो 40% है और उसमें से सिर्फ 10% ही संक्रमित पाए गए हैं, तो इस लिहाज से उनका ये कहना कि घाटे का सौदा है वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए वो उनका तो सही कहना है। देखिए, घाटे का सौदा आखिर किस लिहाज से यह बात कही जा रही है, और दूसरी बात जिन आंकड़ों की बात आपने कही उन आंकड़ों पे अगर देखें तो जो दूसरे स्ट्रेन ने लोगों के अंदर खौफ पैदा किया है, जिस तरीके से मृत्यु दर बढ़ी है, अगर पहले कोरोना के संक्रमण के पहले स्ट्रेन और दूसरे स्ट्रेन के बीच की तुलना कर ले तो मोर्टेलिटी रेट में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिला है। साथ ही साथ जिस तरीके से इंफेक्शन जो संक्रमण बढ़ा है, संक्रमण ने जिस तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपने जन्म में लिया है, इन तमाम बातों को अगर हम देख लें तो सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की हुई कि लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। पहले चरण में 45 प्लस लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई, दूसरे चरण में 18 प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। अब वैक्सीन की कमी की वजह से अगर यह बातें कही जा रही है कि यह घाटे का सौदा है, तो वैक्सीन की कमी देखें यहाँ भारत में कभी रही नहीं, वो थोड़ी बहुत परेशानियां हमें इस वजह से झेलनी पड़ी क्योंकि हमने बिना योजना बनाए हुए वैक्सीन को दूसरे देशों को निर्यात कर दिया और शायद अपने देश के जनता के लिए या अपने देश में जिस तरीके से पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा था वैक्सीनेशन के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमें वैक्सीनेट करने की लोगों की जो इंक्वायरी आनी शुरू हुई, लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, उसको हम कहीं कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यह है कि वैक्सीनेशन ICMR, WHO, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इन बातों को समझ चुके हैं कि अगर कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाकर रखना है तो वैक्सीनेशन ही एक प्रक्रिया है जिसके तहत लोगों को बचाया जा सकता है। अब 18 से 44 साल के बीच के लोगों को वैक्सीनेट करना है नहीं करना है यह एक सेंट्रल पॉलिसी केंद्रीय नीति हो सकती है, लेकिन अभी तत्काल जिस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है उस नीति की माने, उस प्लानिंग को माने, तो आप यह कह सकते हैं कि 18 प्लस लोगों पर भी सरकार का उसी तरीके से फोकस है और बाकी तमाम चीजों को भूलकर सरकार इसी योजना पर काम कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसका काफी असर देखने को मिल रहा है, लोग बढ़ चढ़ करके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 85% लोगों ने टीका लिया है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।